कौन बनेगा करोड़पति में, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए आज के हमारे नए कॉन्टेस्टेंट हरे शर्मा और छोटे शर्मा जी का। आज तो बच्चन साहब को लुट के जाएंगे, क्यों बड़े हाँ छोटे, आइए बड़े लाल शर्मा जी और छोटे लाल शर्मा जी हमारी थर्ड सीट पर। बच्चन साहब आप तो हमेशा हॉट सीट में बैठाते थे, आज हम लोग के लिए कोल्ड सीट क्यों? अरे वो क्या है ना छोटे शर्मा जी, वैसे ही तो इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, ऊपर से जे हॉट सीट, कहीं साइड इफेक्ट आप लोगों को भी ना हो जाए, इसीलिए हमने इसको कोल्ड सीट करवा ली। बच्चन साहब आज से पहले कभी साइड इफेक्ट हुआ तो अब होगा? पहले की तो नहीं कह सकता महेश शर्मा, लेकिन दो दिनों से इस हॉट सीट के कारण कुछ लोगों में बवासीर की समस्या देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है ये कोल्ड सीट तो मैं फिर इसको फिर से गर्म करवा देगा। नहीं नहीं बच्चन साहब हम लोग इसे ऐसा कर लेंगे, बैठ जाएंगे नीचे बैठा दो, बैठ जाएंगे मालूम चलो बैठ 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 बाकी बैठ। हाँ तो स्मॉल रेड शर्मा जी और बिग रेड शर्मा जी, स्मॉल रेड बिग रेड, अरे स्मॉल मतलब छोटा, रेड मतलब लाल, बिग मतलब बड़ा, रेड मतलब लाल, तो छोटे लाल शर्मा जी बड़े लाल शर्मा जी। अच्छा इंग्लिश में बोल रहा हूँ समझे? ठीक है शर्मा जी, आप लोगों ने कभी सोचा था कि आप लोगों को कभी इतने बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ बैठने को मिलेगा? बच्चन साहब आपने कभी सोचा था कि आपको हम दोनों भाइयों के साथ मौका मिलेगा बैठने का? नहीं तो हम लोग क्यों सोचे? छोटे यार गजब का छापा यार एबीएस जी, अमिताभ बच्चन सर जी, ओ नाइस शॉट नेम, थैंक्स थैंक्स, आप बस इंग्लिश बोल सकते हैं क्या? यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, चलो चलो ठीक है हम देखते हैं। हाँ तो शर्मा जी शुरू करेंगे, ये था आपका पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर। अरे कनेक्शन तो किए नहीं यार, ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सलमान खान कभी नहीं गए हैं? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी ससुराल या ऑप्शन डी राजस्थान। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। ससुराल कैसे जा सकते हैं? बच्चन साहब आप सी को लॉक कर, सी को लॉक करो बच्चन साहब, कंफर्म कंफर्म करो कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी ससुराल को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, आप लोग जीत चुके हैं 10 वाली रिलेक्स अगर बत्ती। जैसा कि हमारे ऑडियंस को बता दिया जाए ये है 10 वाली रिलेक्स अगर बत्ती, रात को लगाइए और चैन की नींद पाइए, ये लीजिए रखिए अपने पास। ऑडियंस एक बार जोरदार तालियां बजाएं लोगों के लिए। सिंगल लड़के तो सिर्फ डरते हैं टेस्ट टेस्ट के त्यौहार से। आपका ऑप्शन ए है दीपावली के त्यौहार से, ऑप्शन बी होली के त्यौहार से, ऑप्शन सी नवरात्रि के त्यौहार से या फिर ऑप्शन डी रक्षाबंधन के त्यौहार से। बड़े आप सिंगल हो आप बताओ आपको कौन से त्यौहार से डर लगता है? रक्षाबंधन है यार। बच्चन साहब आप डी को लॉक कर दीजिए, सोच समझ कर देना ये जवाब। अच्छा 100% यदि आपका जवाब गलत हुआ तो आपको यहाँ से लात मार के भी निकाला जा सकता है। लात मार के? तो बच्चन साहब आप लॉक कीजिए। लॉक कर दूं ऑप्शन डी को? लॉक कर दूं क्या जवाब? कंप्यूटर जी ऑप्शन डी रक्षाबंधन को लॉक कर दिया जाए।
सोच रहा हूँ और तुम्हारी नियत है कि गाड़ी बैठी है। दो बच्चे के साथ भी ये आ जल्दी से आओ शादी के बड़े ये है ऑफिस को कर जो लाल चावल पकाए बिना पीटी के समय पर सबको मल है शायद आपको पता नहीं है माननीय महोदय आपके इस शो में आने से पहले आपकी माता जी का मेरे पास कॉल आया था। उन्होंने मुझसे कहा था अगर मेरे लड़के इस शो में पैसे जीते हैं तो उन्हें पैसों के बदले एक कुकर जरूर देना क्योंकि मेरा कुकर खराब हो चुका है। चलो तो दोनों आगे बढ़ाएं। इससे पहले कि तीसरा क्वेश्चन शुरू किया जाए मैं आपको बता दूं कंप्यूटर महाशय आपके सामने एक सॉन्ग शुरू करेंगे। आपको उस सॉन्ग को ध्यान से सुनना है और समझना है और फिर आंसर बताना है कि यह सॉन्ग किस सिंगर का है। ठीक है समझ गए आप? जी हाँ। तो कंप्यूटर महाशय सॉन्ग शुरू किया जाए। सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। मैं जो दीवाने दिल की धड़कन है वो क्या कहना चाहती हूँ। ऑप्शन ए मैं तेरा हीरो नंबर वन। ऑप्शन बी तू मेरा हीरो नंबर वन। ऑप्शन सी मैं तेरा तू मेरा हीरो नंबर वन। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई हेल्पलाइन नहीं है क्या? जी नहीं, इस शो की सभी पाइपलाइन बंद कर दी गई क्योंकि देख रहे हैं आप कितनी तेज बारिश हो रही है। आपका समय शुरू हो चुका है महाशय, जल्दी आंसर दीजिए। ये है मेरी 3 साल की रिजेक्टेड खिल्ली बुल्ली सैंड जो कि बिना के चले सालों साल। इसे पहनिए पहले से सुनिए। क्या हुआ और मान भाई बच्चन साहब? इसे मैं सीधे गटर से निकाल के लाया। पहनिए भाई साहब पहनिए। नहीं चाहिए क्या? क्या हुआ महोदय आपको मेरा दिया हुआ एक पसंद नहीं आया क्या? बच्चन साहब उसको हम जब जमी देंगे जब आप उसको दलवा के देंगे वो भी फॉर्म लगवा के देंगे जब। भाई साहब मैंने कहा ना कि ये मैं सीधे गटर से निकाल के लाया हूँ। अभी रख लीजिए सर आप बात करिए। चलो ठीक है इसे मैं भी रख लेता हूँ। गंदी की ताना चाहता था देवी देवताओं और प्यारे प्यारे राक्षसों जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे इस केबीसी के शो में सही जवाब देने पर कितने बड़े बड़े खुशबूदार इनाम दिए जाते हैं। यदि आपको हमारे साथ केबीसी खेलना है तो आप हमारे साथ ऑनलाइन केबीसी खेल सकते हैं जिसकी वेबसाइट है www.kbcmasala.com। हमें आपसे पूछने जा रहा हूँ विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं होगा आपको उसका जवाब बिना ऑप्शन के ही देना होगा। आपको मन से सोचकर देना होगा उसका आंसर। जी जी जी। तो ये था आपका क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपके मोबाइल में 1.5 GB डाटा खत्म होने के बाद आपको कौन सा गाना याद आता है?
देखेगा ना छोड़ेगा तो। जग सुना सुना लाली, जग सुना सुना लाली, छोटे बड़े तेरे के मैं भी लगा ऐसा लगा हमारे बहुत दर्द कर दे रहा है। बहुत ही बड़े बड़े लेवल के यहाँ पे पुरस्कार दिए जाते हैं। ऐसे यार एक एंट्री फीस है 20,000 रुपए, 2,000 कमा लिए। यार मैं खुद बेरोजगार हूँ, लॉकडाउन में कितना घाटा हुआ है क्या पता है आपको। ये रहा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। वह चटनी किस चीज की थी? आपका ऑप्शन ए है टमाटर की चटनी, ऑप्शन बी गेहूं की चटनी, ऑप्शन सी धनिया की चटनी या ऑप्शन डी सुअर की चटनी। ओह, मुझसे गलत ऑप्शन निकल गया, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से। ऑप्शन डी पुदीना की चटनी। कंप्यूटर जी ऑप्शन ए टमाटर को लॉक कर दिया जाए। ये क्या सही जवाब? मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, एक काम करो मुझे भी पैसा दे दो। अरे अपना बच्चे जी, ये भारतीय पिता बच्चे है। आजकल कोई भी चीज असली नहीं है, पीले गए उसमें भी मिलावट है। ये तुम्हारे भाव और इसने भी तेल वाली मिलावट पे देवियों और सज्जनों, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। हेलो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।